गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन अवर टुडेज मैथ्स क्लास. स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2B. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रॉब्लम सम्स, और यू कैन ऑल्सो से वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, इन दैट यू विल बी गिवन वन क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट. And then you have to judge the statement whether you have to do addition or subtraction. So students, are you all ready? Students, now we will start with our exercise 2B. Exercise 2B. Heading is work out the following. Work out the following word problems in your notebook. हमें यहाँ पर जो भी word problems दिए हैं उनको हमारे book में solve करना है. Okay. So students, number A is you have to write the question from your textbook and answer also. Okay, directly आपको solve नहीं करना है, आपको पहले textbook में जो भी question दिया है वो आपको फिर book में लिखने हैं. Okay. So students, number A is an event was organized in the local park on 21st June, which is observed as Yoga Day. 23,046 people gathered for the morning session and 35,693 people gathered for the evening session. How many people participated in the event. Okay students, हमारा question क्या है? An event was organized in the local park on 21st June as Yoga Day. In that 23,046 people gathered for morning session and 35,693 people gathered for the evening session. Now we have to find total how many people were gathered for this Yoga Day. Okay, एक event organize किया था एक local park में 21st June को. और students, आप सबको भी पता है कि 21st June वो Yoga Day के रूप में मनाया जाता है. उस दिन हम सब Yoga Day celebrate करते हैं. तो वो नेशनल पार्क में दो सेशन रखे थे, एक था मॉर्निंग सेशन एंड अनदर इज इवनिंग सेशन. तो स्टूडेंट्स, हमें दोनों सेशन के नंबर ऑफ पीपल दिए हैं और हमें ये बताना है कि टोटल कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल राइट अवर आंसर. पीपल participated
फॉर मॉर्निंग सेशन. मॉर्निंग में कितने लोग आए थे? 23,046. People participated, or you can also say gathered for evening session. Evening में कितने आए थे? 35,693. हमें total people find करना है, तो students हम इन दोनों को क्या कर देंगे? Plus. क्या करेंगे? Plus. So students, now what is 6 + 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, and 3. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो कितने आ गए इधर? 9. 4 + 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So students, we will write here 3 and 1 carry over. 1 + 0, 1. 1 + 6 is 7. 3 + 5 is 8. And 2 + 3 is 5. So total people participated. कितने लोगों ने participate किया था ये event में? 58,739. तो students, अब हमारा final statement रहेगा. ये therefore की sign है. See, this sign is of therefore. हम इसको क्या read करेंगे? Therefore 58,739 people participated in the event. Okay. Now next, number B. Mr. Saha and Mrs. Saha bought a new car by giving away their motorcycles in exchange. The dealer valued their motorcycles for rupees. ये किसके साइन है? Rupees. 53,193 and rupees 23,184. Respectively. Full stop. Sorry, it's comma. And asked them to pay rupees 4,62,173. What is the cost of the new car? ? So students, यहां पर मिस्टर साहा और मिसेस साहा ने एक नई गाड़ी खरीदी, और वो नई गाड़ी खरीदने के लिए उन्होंने उनके जो भी पुराने दो मोटरसाइकिल थी वो बेच दी. फिर डीलर यानी कि जिससे हम डील करते हैं,
तो वो डीलर से, डीलर ने क्या बताया कि आपकी दोनों गाड़ी के पैसे कितने कितने आएंगे, एक मोटरसाइकिल का 53,193 एंड दूसरी की क्या वैल्यू की 23,184। फिर डीलर ने ऐसा बताया कि अभी भी आपको मुझे कितने पे करने पड़ेंगे, 4,62,173। तो ये पूरी कार के लिए उनकी कॉस्ट क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हम ये तीनों को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस। ओके, सो हियर वी विल राइट वैल्यू ऑफ वन मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल की क्या वैल्यू की है उन्होंने, 53,193। वैल्यू ऑफ अनदर मोटरसाइकिल, उसकी वैल्यू क्या है, 23,184। और डीलर ने कितने पैसे मांगे, अमाउंट टू बी पेड। अभी भी उनको कितने पैसे भरने हैं, 4,62,173। ओके, सो स्टूडेंट्स व्हाट इज 3 + 4, यस 3 + 4 इज 7, 7 + 3 इज 10। सो 0 हियर, 1 कैरी ओवर, 1 + 9 = 10, 10 + 8 = 18, नाउ 18 + 7 = 19, 20, 21, 22, 23, 24 and 25। सो 5 हियर, 2 कैरी ओवर, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4 एंड 4 + 1 = 5, 3 + 3 = 6, 6 + 2 = 8, 5 + 2 = 7, 7 + 6 = 13, 1 carry over, 1 + 4 = 5. So students, now what is the cost of the new car? 5,38,550. Here we will write cost of the new car. That is 5,38,550. स्टूडेंट्स अब हम फाइनल स्टेटमेंट पे लिख देंगे साथ में। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द न्यू कार इज रुपीज 5,38,550. ओके, नंबर सी, 32,207 runners signed up for a marathon under three categories. And 19 runners in full marathon, 11,761 runners
इन, हाफ मैराथन, एंड द रेस्ट, एंड द रेस्ट इन 10 किलोमीटर रन. हाउ मैनी रनर्स हैव रजिस्टर्ड फॉर द 10 किलोमीटर रन. स्टूडेंट्स, एक मैराथन थी और उसमें तीन कैटेगरी थी. कौन कौन सी? फुल मैराथन, हाफ मैराथन एंड 10 किलोमीटर. अब हमें यहाँ पर दिए हैं टोटल नंबर ऑफ रनर्स, दोज वे पार्टिसिपेटेड इन मैराथन. स्टूडेंट्स, आपने कई बार सुना होगा मैराथन रेस है ना, जिसमें अलग अलग होते हैं, कभी रनिंग मैराथन होते हैं, कभी साइकिलिंग मैराथन होती है. तो यहाँ पर बात की है रनिंग मैराथन की. तो उसमें तीन कैटेगरीज थी, एक थी फुल मैराथन, दूसरी हाफ मैराथन एंड तीसरी 10 किलोमीटर. अब हमें टोटल नंबर ऑफ रनर्स कितने दिए हैं? 32,207. फिर आगे क्या दिया था? 4,019 रनर्स इन फुल मैराथन. यानी कि पूरी मैराथन के लिए कितने रनर्स ने पार्टिसिपेट किया है? 4,019. ओके, देन 11,761 रनर्स फॉर हाफ मैराथन. हाफ मैराथन के लिए कितने रनर्स ने पार्टिसिपेट किया है? 11,761. बाकी के 10 किलोमीटर में, तो स्टूडेंट्स हमें जो बाकी के हैं, जितने लोगों ने 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया है, उसका नंबर हमें फाइंड करना है. तो पहले हम फुल मैराथन और हाफ मैराथन को प्लस करेंगे, ठीक है, और फिर वो मैराथन को, वो जो आंसर आएगा, वो जो रनर्स के, उसको हम टोटल रनर्स में से माइनस कर देंगे. तो हमें पता चल जाएगा कि 10 किलोमीटर के लिए कितने रनर्स ने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है. आया समझ में? कि और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. चलो, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि आपके क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, अब उसमें से 15 बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी हो गई? 5 गर्ल्स. तो आपने क्या किया? माइनस. ये तो सिंपल था. बट मैं अगर आपको ऐसे बताऊं कि आपका जो सिटी है उसमें 100 लोग रहते हैं, आपका जो सिटी है उसमें 100 लोग रहते हैं, अब उसमें से मैं आपको ऐसे बताऊं कि 50 मैन है, 50 आर मैन, 20 आर विमेन, एंड फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. आपको 50 मैन दिए हैं, 20 विमेन दिए हैं, बाकी क्या आपको चिल्ड्रन फाइंड करने हैं. तो आप क्या करोगे? पहले मैन और विमेन को प्लस करोगे और फिर उसको टोटल में से माइनस करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सिटी में कितने चिल्ड्रन हैं. आया समझ में? यहाँ पर वैसे ही करना है, हमें टोटल रनर्स बताए हैं. अब 3 कैटेगरीज में 2 कैटेगरीज बता दी है और तीसरी कैटेगरी के रनर्स फाइंड करने हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सॉल्व इट. नंबर ऑफ रनर्स इन फुल मैराथन वो कितने हैं? 4,019. नंबर ऑफ रनर्स इन हाफ मैराथन हाफ मैराथन में कितने हैं? 11,761. सो व्हाट इज 9 प्लस 1? 10.
What is 9 plus 1? 10. 0 here, 1 carry over. 1 plus 1, 2. 2 plus 6, 8. 0 plus 7, 7. 4 plus 1, 5. And 1 का 1. Okay? तो ये रनर्स हो गए जिन्होंने हाफ मैराथन और फुल मैराथन में पार्टिसिपेट किया था. ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ रनर्स वो कितने हैं? 32,207. नंबर ऑफ रनर्स ऑफ फुल एंड हाफ मैराथन उसके कितने हैं? 15,780. सो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज 7 माइनस 0? 7. नाउ 0 माइनस 8 इज पॉसिबल? नो. सो वी विल बोरो 10. हमने 10 बोरो किए तो यहां पर 2 को कट करके क्या लिखना पड़ेगा? 1. Now what is 10 minus 8? Yes, 10 minus 8 is 2. Now students, 1 minus 7 is possible? No. So again we will borrow 10. So it will become 11 and here we will cut 2 and write 1. So students, now what is 11 minus 7? Yes, 4. Now students, 1 minus 5 is possible? No. So we will borrow 10, so 11. अगर हमने यहाँ पर 10 बोरो किए हैं तो 3 को कट करके 2. Now what is 11 minus 5? 6. And 2 minus 1? 1. तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर पता चल गया कि 10 किलोमीटर के लिए कितने रनर्स थे. तो here we will write number of runners for 10 किलोमीटर रन. हम यहां पर अब फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे. देयरफॉर 16,427 रनर्स हैव रजिस्टर्ड फॉर द 10 किलोमीटर रन. ओके, आया समझ में? Now moving to next question, question number D. Okay. A tree census carried out, a tree census carried out in a city reported 47,123 trees in 2018. In 2019, it was reported that 16,381 trees were cut down for various development plans. Hence on Earth Day 22nd April 2020, a tree festival was to be
organized by a local association by a local association to create awareness and encourage people to protect and grow more trees. On that day, 23,042 volunteers each planted a tree sapling. If all the trees are protected and taken care of, what will be the number of trees in the city by 2021. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में एक सिटी का रिपोर्ट दिया है, ट्रीज का. किसका रिपोर्ट दिया है? नंबर ऑफ ट्रीज इन अ सिटी. कोई एक सिटी है, उसमें कितने ट्रीज है, उसका रिपोर्ट हमें यहाँ पर दिया है. तो रिपोर्ट के अनुसार, एज पर द रिपोर्ट, देयर वेर 47,123 ट्रीज इन द ईयर 2018 में कितने ट्रीज थे सिटी के अंदर? 47,123. इन 2019 सम ट्रीज वेर कट डाउन. 2019 में कुछ ट्रीज को कट कर दिए, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट प्लान्स थे, तो थोड़े ट्रीज को कट कर दिए. कितने ट्रीज कट किए? 16,381. कितने ट्रीज कट डाउन किए? 16,381. फिर आगे क्या दिया है? फिर 2020 में स्टूडेंट्स, 22nd अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे. तो उस दिन एक एसोसिएशन ने तय किया कि हम अवेयरनेस फैलाते हैं ट्रीज का इंपॉर्टेंस के लिए. तो वो अवेयरनेस के लिए कुछ वॉलेंटियर्स, कुछ लोग ऐसे आए कि उन्होंने एक एक ट्री प्लांट किया. तो स्टूडेंट्स, 2020 में 23,042 सैपलिंग्स प्लांट किए गए. अब बोल रहे हैं कि अगर ये पूरे जो है उसका ध्यान रखा गया है और एक भी ट्री को कट नहीं किया है, तो 2021 में कितने ट्रीज होंगे वो हमें बताना है. तो स्टूडेंट्स, पहले हमें जो नंबर ऑफ ट्रीज दिए है 2018 के, उसमें से जो ट्रीज कट की है 2019 में, वो हम क्या करेंगे? माइनस. तो स्टूडेंट्स, अब हम धीमे धीमे उसको सॉल्व करेंगे. जैसे जैसे स्टेटमेंट रीड करते जाएंगे, वैसे वैसे सॉल्व करेंगे. तो नंबर ऑफ ट्रीज इन 2018, स्टूडेंट्स आप ही बताओ 2018 में कितने ट्रीज थे? यस, 47,123. नंबर ऑफ ट्रीज कट डाउन इन 2019,
अब 2000 में कितने ट्रीज को कट डाउन किए? 16,381. सो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज 3 माइनस 1? 2. 2 माइनस 8 इज पॉसिबल? नो. सो वी विल बोरो 10. सो हियर वी विल कट 2 एंड राइट 12. 10 बोरो किए तो 1 को कट करके 0. नाउ व्हाट इज 12 माइनस 8? Who will tell me 12 minus 8? Yes, 4. Now students, 0 minus 3 is possible? No. So again we will borrow 10. Now here we will cut 7 and write 6. Now what is 10 minus 3? 7. 6 minus 6, 0. And 4 minus 1, 3. तो स्टूडेंट्स कितने ट्रीज है अभी? 30,742. सो नंबर ऑफ ट्रीज, ओके, अभी इतने ट्रीज बचे हैं. कौन से ईयर में? इन 2019. अब 2020 में फिर से कुछ ट्रीज प्लांट किए तो उसको हम क्या करेंगे? प्लस. सो स्टूडेंट्स हियर वी विल राइट नंबर ऑफ ट्रीज इन 2000, नंबर ऑफ ट्रीज in 2019, that is 30,742 plus number of trees grown, okay, number of trees planted in 2020 में कितने ट्रीज प्लांट किए? 23,042. कितने प्लांट किए? 23,042. सो 2 प्लस 2 इज 4. 4 प्लस 4 8. 7 प्लस 0 7. 0 प्लस 3 3. 3 प्लस 2 5. सो टोटल ट्रीज इन 2021, ओके, तो 2021 में कितने ट्रीज हो गए? 53,784, ओके. सो नाउ वी विल राइट अवर फाइनल स्टेटमेंट. देयरफॉर देयर वेर 53,784 trees in the city by 2021. Okay? Students, I have discussed A, B, C and D with you. On next page, there are E and F that you have to solve by your own. Students, I hope you all of you understood our today's video and today's exercise. If you have any doubt or query, you can drop your query in query section. We will meet soon. Till that, goodbye and take care.